के स्वास्थ्य से संबंधित है। इसमें हम चर्चा करेंगे बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित कौन कौन सी हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और उसका हम किस तरीके से सोल्यूशन करते हैं। आज के हमारे सेशन में हमारे साथ हैं डॉक्टर रेखा शर्मा और डॉक्टर शशि गुप्ता जी। इस प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले मैं बुलाना चाहूंगी अपने एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट बिजनेस डेवलपमेंट मिस्टर उधम सिंह राणा सर का। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मिस्टर उधम सिंह राणा सर का। जी शुक्रिया, सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग एंड जय हिंद। साथियों, आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में जो कि हमारे डॉक्टर्स के द्वारा किया जा रहा है, मैं तहे दिल से अपने सभी साथियों का जो कि पूरे भारतवर्ष से आज एकत्रित हुए हैं इस वेबिनार में स्वागत करता हूं। और साथियों, आज का जो ये टॉपिक है चाइल्ड हेल्थ केयर के ऊपर, बच्चों के स्वास्थ्य के ऊपर जो चर्चा है, ये मेरे ख्याल से हमारे जितने भी साथी आज यहाँ पर मौजूद हैं इस प्रोग्राम में और जो भी आज सुनने के लिए इसको आए हैं, ये सबके लिए महत्वपूर्ण है। मैं ऐसा मानता हूं और हो सकता है कि आप में से भी बहुत सारे साथी ऐसा मानते हो कि भारत के अंदर जन्म लेना सौभाग्य की बात है। और स्पेशली ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जितना स्नेह, जितना प्रेम यहां पर अपने बच्चों से करते हैं, शायद ही दुनिया के किसी और कोने पर लोग करते होंगे। यहां पर हमने सुना है कि जो माँ है वो खुद गीले में सोती है और बच्चे को सूखे में सुलाती है। यहां पर माँ बाप के जितने भी सपने होते हैं वो खुद से ज्यादा अपने बच्चों के लिए होते हैं। वो खुद भूखे रहकर भी अपने बच्चों के लिए कार्य करते हैं। और ये चीज स्पेशली भारत के अंदर है। तो आज का जो टॉपिक है हमारे उन्हीं बच्चों के लिए जिनसे हम बहुत प्रेम करते हैं। और आप देखेंगे कि आज यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें चर्चा करेंगे जो कि आप व्यक्तिगत जीवन में आप देख रहे हैं अपने बच्चों के साथ, या फिर आपके अगल बगल पड़ोस में, समाज में जो बच्चे रह रहे हैं उनके हेल्थ इश्यूज को लेकर। आज चर्चा है खान पीन को लेकर, व्यवहार को लेकर, और इन सब चीजों के ऊपर आज चर्चाएं होंगी। तो ये आज चर्चा करने के लिए हमारे बीच में मौजूद है हमारे बहुत ही वरिष्ठ डॉक्टर हैं, डॉक्टर रेखा शर्मा जी। तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि एक बार वो आपसे रूबरू हो, और मैं चाहूंगा कि एक बार आप जोरदार तालियों से डॉक्टर रेखा जी का स्वागत करें ताकि इस विषय के ऊपर वो आपसे चर्चा करें एक बार। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार, मेरा प्रेम भरा नमस्कार। डॉक्टर रेखा हब से आज फिर आप सबके सामने हूँ। आज हम कुछ चर्चा करेंगे बच्चों के बारे में। इस विषय को लेने का मेरा एक बहुत बड़ा मकसद था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे वो जड़ है उस पेड़ की, जो अगर अच्छे से सींचा जाए तो एक बहुत अच्छा फलदार वृक्ष साबित हो सकते हैं। एक फैमिली में अगर बच्चे अच्छे हैं तो उसके माता पिता भी सुखी हैं और उसके जीवन साथी भी आगे जाके, और उसका पूरा परिवार खुश रहता है। तो इसलिए बच्चों का अच्छा भविष्य, बच्चों का अच्छा स्वास्थ्य, यही कामना के साथ मैंने ये सोच कर ये टॉपिक डिसाइड किया था कि हाँ, इस बार हमें कुछ बच्चों के लिए करना चाहिए जिससे कि माता पिता अपने बच्चों को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर सके। क्योंकि हम सब अपने लिए दवाइयां खाते हैं, लेकिन अपने बच्चों के लिए सोचते हैं कि हम उससे भी कुछ बहुत अच्छा दे सकें जिनसे हमारा बच्चा पढ़ने में होशियार बन सके, फर्स्ट पुश बन सके, उसका विकास अच्छा हो सके, उसकी सब चीज बहुत अच्छी हो। क्योंकि हमारे लिए हमारा बच्चा, मतलब एक माँ एक बाप अपने बच्चे को अपनी पलकों पे रखते हैं, चाहे उसका एक बच्चा हो चाहे उसके तीन बच्चे हों। तो बच्चे बहुत महत्वपूर्ण अंग है हमारी सोसाइटी का भी, हमारे परिवार का भी। और मैं ये सोचती हूँ कि आगे आने वाले जो भविष्य है वो अच्छा रहे, आगे आने वाला सोशल कल्चर हमारा अच्छा रहे, इसलिए बच्चों का विकास बहुत अच्छा होना चाहिए और उनके संस्कार बहुत अच्छे होने चाहिए। यही सोचते हुए मैंने ये जो टॉपिक है वो सजेस्ट किया था कि हमें ये टॉपिक बोलना चाहिए।
अभी मैं आपके सबके सामने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन शेयर करने वाली हूँ। उम्मीद है आप सबको मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी। जी डॉक्टर साहब देख पा रहे हैं। ठीक है, तो शैल वी स्टार्ट? आई एम ऑडिबल? यस मैम। ओके, चाइल्ड हेल्थ केयर, बच्चों का स्वास्थ्य की केयर हम कैसे करें और हम जो कर रहे हैं उसमें जो छोटी छोटी कमियां जो हमसे हो जाती हैं वो हम कैसे ठीक कर सकें। वैसे तो एक माँ सबसे अच्छी डॉक्टर होती है, वैसे एक माँ सबसे अच्छी डॉक्टर होती है, उसे किसी भी डॉक्टर की जरूरत होती ही नहीं है। लेकिन मैं यही कहूंगी वो छोटी छोटी कमियां वो हमें दूर करनी है और अपने बच्चे के स्वास्थ्य को ठीक करना है। डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इज गवर्न बाय नेचर और नर्चर। जो एक बच्चे का विकास होता है, जब एक बच्चा विकास करता है वो प्रकृति भी करती है। एक बच्चा अगर हम ना भी कुछ अच्छा खिलाएं ना अच्छा उसका पालन पोषण करें तो एक नेचुरल विकास होता है जो हमें प्रकृति करके देती है, वो होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। एक नर्चर जो हम उसमें डाल के देते हैं, जो संस्कार से हम सींचते हैं उसके भविष्य को, उसके न्यूट्रिशन को, उसकी बॉडी को, उसके स्वास्थ्य को, वो होता है नर्चर। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारे ब्रेन का, एक बच्चे के ब्रेन का विकास, उसके दिमाग का विकास 80% 80% ब्रेन का डेवलपमेंट बच्चों का 5 साल तक हो जाता है। जी हाँ, वैसे बेसिकली इसका डेवलपमेंट 3 साल तक होता है। किसी भी बच्चे का विकास 3 साल तक 80% हो चुका होता है। हाँ, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस बात को मैं तीसरी बार फिर रिपीट कर रही हूँ। हम सोचते हैं बच्चा भी छोटा है, उसको भी बहुत कुछ सिखाना है, लेकिन विकास, एक फुल डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन, जैसे हड्डियां ग्रोथ होती रहती हैं, कार्टिलेज होती हैं, ये सब जानते हैं हम, दिल भी थोड़ा सा बड़ा होता है, लिवर भी थोड़ा बड़ा होता है, ब्रेन का जो विकास है, दिमाग का विकास 3 साल तक 80% हो चुका होता है और 90% दिमाग का विकास 5 साल की उम्र तक होता है। तो इसीलिए यही टाइम है बच्चों का, ये मत सोचेगा कि बच्चा बहुत छोटा है, नहीं, यही टाइम है विकास का। तो आपको अपने बच्चे का विकास, उसको बहुत सारी चीजें दिखानी है, क्योंकि बच्चे देख के सीख जाते हैं। तो इसीलिए बच्चों को, बच्चों के ऊपर बहुत सारा होमवर्क सभी पेरेंट्स को करना है। कम्युनिकेशन स्किल्स, बच्चों में छोटी छोटी चीजों का बहुत ध्यान हमें रखना चाहिए। ये बहुत छोटे बच्चों के लिए मैंने थोड़ा सा इन्वॉल्व किया है, ये बड़े बच्चों के लिए भी है कि जो आजकल सिनेरियो चल रहा है, मैं कोविड को बाद में चर्चा पे लाऊंगी, मैं यही कहूंगी कम्युनिकेशन स्किल्स, जैसे कि बाहर जाने की तरीके, तौर तरीके, वो बच्चा बाहर जाए, विकास करे, सीखे, क्योंकि वो एनवायरमेंट को देख के सीखेगा, वो लोगों को देख के सीखेगा। 4 लोगों में वो नहीं सीख सकता, आप वो नहीं सिखा सकते जो चीजें वो बाहर जाके सीखेगा। वो बच्चा बाहर जाके छोटे छोटे आउटडोर गेम्स खेले, जैसे कि हम सब पहले खेलते थे, वो स्किपिंग करे, रस्सा कूदे, छोटे छोटे लोकल गेम्स खेले, साइकिलिंग करे, स्विमिंग करे, इससे उसका क्या होगा, विकास होगा फिजिकल एंड मेंटल बोथ। अच्छा, ये जो विकास है वो किन चीजों से रुक रहा है? सबसे पहला तो मैं कहना चाहूंगी बहुत ज्यादा दवाइयों से, बहुत ज्यादा दवाइयों से विकास रुक रहा है। जो दवाइयां हैं प्लीज उनको कंट्रोल्ड यूज कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपके बच्चे को एक दिन बुखार हुआ और आप फटाफट से एमोक्सिक्लेव, एजिथ्रोमाइसिन, पैरासिटामोल ये सब ले, नहीं, नेचुरल चीजें हैं, इन्फेक्शन है, धीरे धीरे सब कंट्रोल में आता है। एकदम से यूज मत कीजिए एंटीबायोटिक्स का, क्योंकि वो दिमाग के विकास को, शरीर के विकास को हैम्पर करते हैं। दूसरा, वॉयलेंस, लड़ाई झगड़ा, घर में होने वाला जो वातावरण है जिसमें बच्चा रहता है वो बच्चे को बहुत प्रभावित करता है। जहां बच्चा स्कूल जाता है, जहां बच्चा ट्यूशन पढ़ता है, जो बच्चा बाहर खेलने जाता है, वो जो एनवायरनमेंट है वो बच्चे को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। बच्चों के सामने गालियां हमें नहीं देनी चाहिए, वैसे तो गालियां देनी ही नहीं चाहिए, लेकिन बच्चों के सामने अपनी जुबान को थोड़ा सोच के बोलना चाहिए, क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो हम बोलते हैं, क्योंकि बच्चे हमारा ही मिरर है। तीसरा,
चाइल्ड लेबर, हाँ, बच्चों से 18 साल की कम उम्र में ही कुछ लोग मेहनत करवा रहे हैं, मजदूरी करवा रहे हैं, तो वो भी एक कारण है कि उनका डेवलपमेंट शारीरिक और मानसिक नहीं हो पा रहा है। तीसरा, ड्रग एडिक्शन, जो आजकल बड़ा ही ट्रेंड में है। जी हाँ, बड़ा ही ट्रेंड में है ड्रग एडिक्शन। लोग, छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे को देख के कि इतना ट्रेंडी है, मैं स्टाइलिश लगूंगा, ये थोड़े से बड़े बच्चों के लिए है, तो सिगरेट, अल्कोहल, इन सब का यूज बहुत कर रहे हैं। और आजकल तो और भी अच्छी अच्छी ड्रग्स आ गई हैं, बड़े फेमस रेप्यूटेड, जिसे मैं यही कहूंगी, तो इनका यूसेज जो बॉयज में ज्यादा है, ऐसा नहीं है कि गर्ल्स में नहीं है, सब में है, दोनों ही सेक्सेस में है। इसीलिए ड्रग एडिक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन जहां आपके बच्चे का मानसिक और शारीरिक विकास होता है। और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है, लेस इंटरेक्टिव, कि बच्चा बहुत कम इंटरेक्शन कर रहा है। जी हाँ, ये नोट कीजिएगा कि आपने देखा होगा बच्चे इंटरेक्शन नहीं करते। असल में तो माँ बाप के पास ही टाइम नहीं रहा आजकल, क्योंकि माँ बाप वर्किंग है, मम्मी भी वर्किंग है, पापा भी वर्किंग है, बात करने के लिए कोई नहीं होता। किसी किसी अच्छे घरों में मम्मी पापा होते हैं जो दादा दादी के पास बच्चे रहते हैं, वो इंटरेक्शन करते हैं, लेकिन आजकल उनकी अपेक्षा भी मोबाइल फोनों ने ले ली है, तो फोन्स की वजह से बच्चे बात नहीं करते, कम्युनिकेशन नहीं होता, वो नहीं सीखते, वो जो सारा दिन स्क्रीन देखते हैं, वो सारा दिन जो बाहर पिक्चरें देखते हैं, ये सब चीजें, टीवी का इन्वॉल्वमेंट है, सोशल मीडिया इन्वॉल्वमेंट है, ये सब चीजें बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास पर बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। और इसमें इंपॉर्टेंट कारण है ईटिंग हैबिट्स ऑफ अ चाइल्ड, जो आजकल जंक फूड का प्रचलन बहुत है, बड़ों में भी और बच्चों में भी। तो ये जो जंक फूड हम खा रहे हैं, वो बच्चों के शारीरिक मानसिक दोनों विकास में इंडिपेंडेंस का बहुत बड़ा कारण है। तो मैं यही कहूंगी आप सबसे, प्लीज अपने बच्चे को जंक फूड मत दीजिए। ये स्पाइसी जंक फूड बच्चों के मानसिक विकास को रोक देगा। अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा बहुत अच्छी क्वालिटी का ऑफिसर बने, बहुत अच्छे श्रेणी के पद्धति पर काम करे, तो प्लीज आज से ही इन सब चीजों पर ध्यान दें। एक 7 हेल्थ टिप्स मैं लेके आई हूँ आपके बच्चों के लिए। आप अपने बच्चों को ये देख सकते हैं कि मैं कहाँ से अपने बच्चों को हेल्दी रख रही हूँ या रख रहा हूँ। हेल्थ टिप्स ऑफ योर चाइल्ड क्या है? एक तो अपने बच्चों का जो भी रूम है आपके, वो एयर ही रखें। जी हाँ, उसमें एयर इनहेलेशन प्रॉपर हो, एग्जॉस्ट हो, जिससे कि हवादार कमरा होगा तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, हमारी लंग्स की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी अच्छी होगी। नंबर एक, उसकी स्लीपिंग हैबिट्स पे ध्यान दें। ऐसा नहीं है कि बच्चा 12:30 बजे तक उठ रखा है, नहीं, उसको 10 बजे तक सुलाएं, जिससे कि वो जल्दी सोएंगे तो वो जल्दी उठेंगे। बच्चे को जल्दी उठाएं, बच्चे को वॉक करने की हैबिट भी डालें, बच्चे को योगा करने की हैबिट डालें, जिससे कि वो फ्रेश एयर में रहना सीखे, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाए, ब्रेन में शांति मिले और विकास का अच्छा एक स्रोत मिले। हेल्दी डाइट, हेल्दी डाइट के ऊपर मैं थोड़ा सा बच्चों के पक्ष में जाना चाहूंगी और यही कहूंगी, मैं ये तो कह रही हूँ कि जंक फूड मत खिलाइए, पर ये नहीं कह रही कि उनको लौकी की सब्जी रोज खिलाइए। तो मैं यही कहूंगी कि बच्चों को 80% हेल्दी डाइट दीजिए और 20% उनके मर्जी की डाइट दे दीजिए। हफ्ते में एक बार उनको अपनी पसंद का खाना खाने दीजिए, पर हफ्ते में 6 दिन उनको हेल्दी और न्यूट्रिशन डाइट दीजिए। यही मेरी एक एडवाइस है। क्लीनिनेस, जी हाँ, दांतों की सबसे ज्यादा क्लीनिनेस की जरूरत है, क्योंकि आजकल बच्चे को कैविटीज होना बहुत आम बात है। और बॉडी की क्लीनिनेस, क्योंकि बच्चे को दांत, खाज, खुजली, ये सब चीजें बहुत आम है, और छोटे बच्चों को तो ब्रश वगैरह भी मम्मी को कराना पड़ता है, इसीलिए साफ सफाई का ध्यान पेरेंट्स रखें, और जब बच्चा बड़ा हो तो वो खुद ध्यान रखें, क्योंकि साफ सफाई से बहुत ज्यादा कीटाणु से हम बच सकते हैं। अच्छा, उसके बाद प्लेइंग आउटसाइड। हम जब बच्चा बाहर खेलता है उसे क्या होगा? एक तो बहुत अच्छा सा फैक्टर मुझे एकदम से ध्यान आया बात करते करते, उससे बच्चे का स्ट्रेस भी कम होगा, चिड़चिड़ापन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि फ्रेश एयर मिल रही है, ध्यान भी डाइवर्ट हो रहा है, अच्छे लोग मिल रहे हैं, अपने साथ के बच्चों में खेल रहा है, और थकावट, फटीग होना अच्छा है। थकेगा तो अच्छी नींद सोएगा, थकेगा तो अच्छा खाना और भरपेट खाएगा। अच्छा,
इससे बच्चों का स्ट्रेस तो कम होगा ही होगा, पर माँ बाप का स्ट्रेस भी कम होगा। क्यों? क्योंकि जब बच्चा थकेगा, जब बच्चा बाहर घूमेगा तो लेके कौन जाएगा? पेरेंट्स। तो पेरेंट्स भी खुली हवा में सांस लेंगे और उनका उनके बच्चे को खेलता देखकर उनका भी स्ट्रेस लेवल कम होगा, क्योंकि माँ बाप भी तो सारा दिन फोन पे हैं आजकल। इसके बाद हम आगे विचार करते हैं टीवी मोबाइल सेटिंग। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नाउडेज। कोरोना ने थोड़ा और इसको बढ़ा हवा दिया है कि बच्चे सारा दिन फोन के आके बैठे हैं, कभी क्लासेस को लेकर, कभी खाना खाने को लेकर। खाना भी बच्चा फोन से खाता है कि ऐसा है, ऐसा मेरे साथ भी होता है, मेरा भी बच्चा है। मैं अगर मीटिंग में हूँ तो अगर मुझे उसको चुप रखना है तो मुझे भी उसको फोन देना पड़ता है कई बार। तो ये अनहेल्दी रखने का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है। 5 मिनट दे रहे हैं, इट्स गुड। वो सीखते भी हैं, मैं मना नहीं कर रही हूँ कि फोन हमेशा ही गलत होता है। वो बच्चे उसे बोलना सीखते हैं, उससे बहुत सारे वर्ड सीखते हैं, प्रोनंसिएशन सीखते हैं, लेकिन टीवी मोबाइल की वजह से बच्चे बहुत एडवांस हो रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, अपनी उम्र से पहले चीजें जानना, ये उनके हार्मोनल इम्बेलेंस के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तीसरी चीज, उनकी आंखों पे इफेक्ट डाल रहा है, ब्रेन के विकास को हैम्पर कर रहा है। तो थोड़ा सा आप सब ध्यान दें, बच्चों के विकास के लिए थोड़ी मदद करें अपने अपने बच्चों की, और रेगुलर हेल्थ चेकअप। जी हाँ, उनका उनके पीडियाट्रिशियन से रेगुलर हेल्थ चेकअप होना चाहिए। जैसे कि उनकी उम्र के हिसाब से क्या बच्चे की हाइट है, क्या बच्चे का वेट है, क्या बच्चे को वैक्सीनेशन, जो कि हमारे WHO के इंडियन शेड्यूल के हिसाब से 5 ईयर तक बहुत कंपल्सरी, कुछ कुछ मेडिसिन, कुछ कुछ वैक्सीन होती हैं, MMR है, TT है, बहुत सारी वैक्सीन है, पेंटा है, तो वो टाइम पे लगा है नहीं। और डेंटिस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दांतों की सुरक्षा और सफाई। तो ये 7th हेल्थ टिप है जो आप अपने अपने बच्चों के लिए चेक कर सकते हैं कि क्या हमारे बच्चे ने ये प्रॉपर किया है या हमने उसको कराया है। उसके बाद हम क्या इंक्लूड करें उसकी डाइट में। ये जो मैंने वर्ड सामने लिखे हैं PPT में, ये बहुत आम है। जी हाँ, कि कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, फैट होना चाहिए, मिनरल होना चाहिए, विटामिन होना चाहिए, आयरन, प्लेंटी ऑफ वाटर पिए बच्चा। तो मैं ये कहूंगी, छोटे से साफ शब्दों में ये कहूंगी कि फ्रूट्स खाए, सैलेड ले, खूब सारा पानी पिए, चपाती भी खाए, राइस भी खाए, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो ठीक है, नॉन वेज भी थोड़ा सा बच्चे के विकास के लिए जरूरी है, और अब वेजिटेरियन हो तो दूध, पनीर, दही, बहुत सारी चीजें हैं, सब चीज खिलाइए, घर का बना खाना खिलाइए, बाहर के खाने की आदत मटाइए, चाहे वो आप दाल सब्जी ही बाहर से क्यों ना खाते हो, पर वो जो ऑयल है वो नुकसान करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात घर के खाने में, माँ के हाथ का स्वाद, सफाई कहीं बाहर नहीं मिलती। इसीलिए मैं ये कहूंगी, हर एक बच्चे को न्यूट्रिशन की कमी उसके एज और वेट, जी हाँ, बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स, जिसको हम BMI भी कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हर बच्चे को थोड़ा थोड़ा प्रोटीन, थोड़े थोड़े फैट्स, थोड़े थोड़े मिनरल, आयरन, सबकी जरूरत है। फ्रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों के लिए ड्राई फ्रूट जो आप भिगो के रखें सुबह दें तो दिमाग के विकास और शारीरिक विकास के बहुत जरूरी है। दलिया, खिचड़ी, बहुत सारी चीजें हैं आजकल, तो ओट्स हैं, आप ये भी दे सकते हैं बच्चों को, सैलेड है, अच्छी अच्छी चीजें बहुत सारी नेट पे हैं। आप टीवी का अच्छा यूज कीजिए, आप मोबाइल मीडिया का अच्छा यूज कीजिए, अपने बच्चों के लिए अच्छी अच्छी रेसिपी ढूंढिए, जिससे कि अगर वो ऐसे नहीं खा रहे हैं तो उसको मोल्ड करके दूसरे फॉर्म में दे सकते। उसके बाद जो आज का सिनारियो है वो आप सबसे नहीं छुपा है, हमारे बच्चे ऐसी चीजें कर रहे हैं, आप सामने देख रहे हैं पिक्चर में, ईटिंग हैबिट्स खराब हो रही है, बच्चे ये नीचे वाली फोटो बहुत ज्यादा खा रहे हैं, नीचे वाली चीजों में जो जो है, तो इसीलिए पिज्जा, बर्गर, चाउमिन, ऐसी चीजों से थोड़ा सा दूर रखें। मोबाइल स्क्रीनिंग बहुत ज्यादा हार्मफुल है, तो ज्यादा ना करिए। लेक ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन की कमी, पोषक तत्वों की कमी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। तो पोषण दीजिए खाने को लेकर। अगर आपका बच्चे को भूख नहीं लगती है तो देखिए क्यों भूख नहीं लग रही है, क्या हमने खाने के बीच में गैप कम रखा है, क्या बच्चा पानी नहीं पीता, क्या बच्चे की आउटडोर एक्टिविटी नहीं है, ऐसा तो नहीं है
डॉक्टर साहब वॉइस ब्रेक हो रही है। नहीं सर बंद हो गया। आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? Can anyone tell? जी मैम अभी ये आ रही है आपकी आवाज। आप मैम बताएंगे कि हम कब से आवाज आनी बंद हुई थी थोड़ा प्लीज। मैम इससे पीछे वाली स्लाइड पे आप जाइए। ये नहीं इससे भी पीछे वाली एक जिसमें आप बता रहे थे कि जो बच्चे हैं आज की डेट में खाना प्रॉपर नहीं खाते हैं और मोबाइल स्क्रीन पे ज्यादा रहते हैं, वहां से आपकी वॉइस आनी बंद हो गई थी मैम। इससे पीछे वाली मैम या दिस वन दिस इज ओके। यस मैम मैं ये कहूंगी कि मोबाइल स्क्रीनिंग जो सारा दिन हम फोन देखते हैं उसके कारण बच्चों का शारीरिक और मानसिक रुक सा गया है, क्योंकि वो जो चीजें देखते हैं, क्योंकि हमारे शरीर पे हार्मोनल इंपैक्ट होता है हर चीज का। हम कुछ भी देखेंगे उसका हमारे दिमाग पे बहुत देर तक इंपैक्ट होता है, और जो बच्चे हैं उन तक बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है। इसीलिए मैं यही कहना चाहूंगी, मोबाइल अच्छा है सीखने के लिए पर मोबाइल बुरा है ज्यादा सीखने के लिए। तो उम्र के हिसाब से देखिए और टाइम लिमिट के हिसाब से देखिए। बच्चों को आप देना है, आपको सिखाना है, आप आधा घंटा उनको दीजिए, उसके बाद हम चलते हैं न्यूट्रिशन, खाने की कमी, जैसे कि अच्छे खाने की कमी हो रही है। हम बच्चों को आदत डाल रहे हैं पिज्जा बर्गर चाउमिन स्प्रिंग रोल खा खा के बड़े हो रहे हैं। तो मेरा यही कहना चाहूंगी सभी से, am I audible? Yes, ma'am. यही कहना चाहूंगी थैंक यू। मैं यही कहना चाहूंगी कि खाना पूरा न्यूट्रिशन दीजिए अपने बच्चे को, दलिया खिचड़ी ओट्स चपाती राइस सब कुछ जो बच्चा खाए जो उसके न्यूट्रिशन के लिए भी हेल्दी है। जैसे कि मैंने पीछे बताया था कि 80-20 का रूल दीजिए, 80% आपकी मर्जी का खाना जो कि न्यूट्रिशन के लिए अच्छा है और 20% वो खाना जो कि बच्चे डिमांड करते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उनसे उनका मन भी रहेगा और आपको उनका न्यूट्रिशन के लिए प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। उसके बाद आता है मोबिलिटी ऑफ जॉइंट्स, क्योंकि सारा दिन बच्चे बैठ रहे हैं, इंडोर एक्टिविटी रह गई है, आउटडोर एक्टिविटी बंद हो गई है। इसीलिए मैं यही कहना चाहूंगी उनकी मोबिलिटी ऑफ जॉइंट्स, जो ग्रीस खत्म होना आजकल के लोगों में कॉमन, पहले मेरे पास पेशेंट आते थे तो 50 के बाद 60 के बाद
ग्रीस खत्म हो गए घुटनों में, लेकिन आज बच्चे आ रहे हैं कि 20 साल के बच्चे के भी घुटने में दर्द है, छोटे छोटे ज्वाइंट्स में दर्द है। क्यों? क्योंकि मोबिलिटी, घूमना फिरना बहुत कम है। और इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सोशलाइजेशन बहुत कम है, बच्चे आपस में बात नहीं करते, पेरेंट्स भी बात नहीं कर पाते, टाइम की कमी है, मीडिया में इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, बच्चे स्क्रीन पे हैं, माँ बाप भी स्क्रीन पे हैं, फोन्स पे हैं, टीवी पे हैं, तो आपस में इंटरेक्शन बहुत कम है, तो बच्चे सोशल बिहेवियर नहीं जान पाते, वो आपस में अकेला रहना ही पसंद करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज का सिनेरियो के हिसाब से। इसके बाद हम चलते हैं चैलेंजेस टू बी फेस्ड। इसकी वजह से हम क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं? बच्चों में माल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन की कमी। जी हाँ, बच्चों में पोषक तत्व पूरा नहीं आता। इसकी वजह से पेलिग्रा, पीएम, हम जिसे प्रोटीन एलर्जी माल न्यूट्रिशन भी कहते हैं, वो ऐसी बीमारियां, स्कर्वी, जैसे आप सामने पिक्चर में देखे जो ऊपर वाली पिक्चर है, तो स्कर्वी डिजीज के हैं, पैर बिल्कुल पतले हैं, पेट बहुत मोटा है, तो ये बीमारी है। ऐसे डायबिटीज, जो कि कहते थे पहले बड़ों को ही डायबिटीज होती है, अब कई बार अभी भी कहते हैं कि जी बच्चा तो छोटा है, पर तो ये क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे दोष असाम्यवस्था में है, हमारी बॉडी बैलेंस नहीं है। ओबेसिटी, जी हाँ, बच्चे बहुत ज्यादा जंक फूड खा के, उल्टा सीधा खा के ओबीज होते जा रहे हैं। बीएमआई, बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स, उनका बढ़ रहा है और बैठे बैठे मोटापा हो रहा है, बिकॉज फिजिकल एक्टिविटी नहीं बची। उसके बाद आता है अस्थमा, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया है, बच्चे बाहर नहीं जाते, ऑक्सीजन नहीं मिलता, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस बहुत कॉमन है, आजकल वायरस ने भी बहुत बड़ा योगदान उसमें दे दिया है, तो अस्थमा नाउअडेज वेरी वेरी कॉमन। मायोपैथीज, बच्चों को जैसे देखो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, स्कर्वी डिजीज का पेशेंट है और उनका मस्कुलर डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, तो मायोपैथी आर वेरी कॉमन नाउअडेज। विटामिन डिफिशियंसी, विटामिन डेफिशिएंसी, जैसे विटामिन की कमी, क्योंकि खाना प्रॉपर नहीं है, दूध दही प्रॉपर नहीं है, मक्खन नहीं खाते हैं बच्चे, तो इम्पॉर्टेंट क्या है? विटामिन की डेफिशिएंसी, फ्रूट्स कोई खा के राजी नहीं है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्म इन्फेक्शंस, बच्चों में कीड़ों का होना, जी हाँ, आमतौर पर कीड़े सभी में होते हैं, पर बच्चों में हमें टाइम टाइम पर कीड़ों की दवाइयाँ देनी चाहिए। और इस सब के साथ एक है बैड इम्यूनिटी, ऐसा ऐसा खाना खा के इम्यूनिटी, रोगों से लड़ने की क्षमता, प्रतिरोधक क्षमता, जिसको हम कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता, तो वो नहीं मिल पा रही है, तो इम्यूनिटी बहुत कम है। थोड़ा सा सीजन चेंज हुआ, बच्चे को खांसी जुकाम बुखार हो गया, तो ये एक इसका उदाहरण है। तो ये चैलेंजेस डॉक्टर्स भी फेस कर रहे हैं, ये चैलेंजेस सोशल भी फेस कर रहे हैं, सोसाइटी भी फेस कर रही है, पेरेंट्स भी फेस कर रहे हैं, बच्चे भी फेस कर रहे हैं, तो प्लीज ये हम सबका कर्तव्य है, इन सब चीजों से हम एक दूसरे को वाकिफ कराएं और अपने अपने बच्चों में चेंजेस लाए। इसके बाद आता है ट्रीटमेंट। सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगी कि चिकित्सा करने से पहले इंपॉर्टेंट है अपने बच्चों को फिजिकल एक्सरसाइज की तरफ मूव करना। फिजिकल से जॉइंट्स भी अच्छे होंगे, मानसिक विकास होगा, शारीरिक विकास होगा, उनको भूख भी लगेगी और वो खाना भी खाएंगे। लोगों का बहुत कॉमन कंप्लेंट होता है कि मेरे बच्चे खाना नहीं खाता, उसको भूख ही नहीं लगती, तो इम्पोर्टेंट है फिजिकल एक्सरसाइज। उसके बाद अब हेल्प करेगा विकास में और बीमारी के इलाज में अमूल्य हॉर्मोन्स। तो इसी के साथ ट्रीटमेंट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आप लोगों के लिए समझना, ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। पहला है अपने बच्चों की दांतों की, अपने बच्चों के दांतों की और हड्डियों की सुरक्षा कैसे करें। हमने अमूल्य हर्ब्स में कैलकिट नाम से एक प्रोडक्ट हमें दिया है। कैलकिट में ये ऐसे तत्व हमने डाले हैं जिससे बच्चों की कैल्शियम नीड भी पूरी होगी, जी हाँ, कैल्शियम नीड भी पूरी होगी और आयरन नीड भी पूरी होगी। उनमें लोहे का तत्व, जो आयरन की अपेक्षा होना चाहिए, खून, HB, RBC, रेड ब्लड सेल, उनका HB पूरा होगा। उनमें कैल्शियम, जो हड्डियों को स्ट्रांग बनाने के लिए इंपॉर्टेंट था, वो नीड भी पूरी होगी। जिंक, जो उनके एलिमेंट्री कैनाल, मतलब पेट को ठीक रखने के लिए जितनी इसकी जरूरत है, वो भी ठीक होगी। जी हाँ, एक अकेले टैबलेट में, कैलकिड में कैल्शियम, आयरन और जिंक तीनों हमने डाला है। और ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, क्यों? क्योंकि एक तो
ये गोली है, दूसरा चबानी नहीं है, पानी नहीं पीना, आप दांत में रखे पिघल भी जाएगी और फ्लेवर वाली है, बच्चा चबा सकता है, हम जीप के साइड में रख सकता है मुंह में तो घुल भी जाएगी और फ्लेवर्ड है तो बच्चे खुश होके खाते हैं अमूल्य कैलकेट। तो इसीलिए अपने बच्चों को विकास के लिए और अच्छे विकास के लिए आप इसको दे सकते हैं 1 से 2 गोली चिकित्सक परामर्श अनुसार, क्योंकि इसमें वेट और हाइट और एज सभी मैटर करती है। इसलिए मैं ये कहूंगी चिकित्सक के परामर्श अनुसार आप बच्चों को कैलकेट दीजिए, जिससे कि उनकी हड्डियां मजबूत बनेगी, दांत अच्छे होंगे और वो अच्छा भविष्य लिख सकेंगे। फिर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, जैसे मैंने बताया था कि खाने में पोषक तत्वों की कमी, तो आपका बच्चा जो भी खाता हो अगर आपको लगता है उसका वेट और उसकी हाइट उसके एज के अकॉर्डिंग नहीं है तो आप यहाँ पे न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए देंगे अमूल्य ग्रोथ प्लस। अमूल्य ग्रोथ प्लस इसमें प्रोटीन भी है जो हमारे खाने में होना चाहिए, इसमें कार्बोहाइड्रेट भी है जो हमारे खाने में बहुत इंपॉर्टेंट है, फैट भी है, विटामिन ए बी डी सी ई कैल्शियम सब कुछ है। अगर बच्चे को खाने में से नहीं मिल रहा है तो आप ऊपर से फूड सप्लीमेंट में कैसे उसको दें, तो ये आपके बच्चों के लिए अमूल्य हर्ब्स ने आपको प्रेजेंट करके दिया है अमूल्य ग्रोथ प्लस, जिससे कि हाइट वेट न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी ठीक होगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ग्रोथ प्लस, इसको अपने बच्चे को वेट हाइट और एज के अनुसार डॉक्टर के परामर्श से आधे से 1 चम्मच दूध में गर्म दूध में मिक्स करके दीजिए दिन में 2 बार, ज्यादा जरूरत पड़ने पर वैसे दिन में 1 बार नॉर्मल नीड पे, इसलिए आपके बच्चे की हाइट ग्रोथ वेट एज के अकॉर्डिंग हो जाएगा। उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं ये कहूंगी मेघा सिरप, मेरे पास है नहीं है यहाँ मेघा सिरप। मेघा सिरप एक ऐसी मेडिसिन है, एक ऐसी चमत्कारी मेडिसिन कहूंगी है जो कि हमारे ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, आपको लगता है आपका बच्चा अपनी एज के अकॉर्डिंग नहीं दिमाग चला पा रहा, इंटेलेक्चुअल नहीं है और आप चाहते मेरा बच्चा सबसे इंटेलिजेंट बन जाए, वो कुछ भी पढ़े उसको सबसे जल्दी समझ में आए, तो मैं ये कहूंगी फिर उसके दिमाग को रिलैक्स करने की मेडिसिन दीजिए। इस मेडिसिन से दिमाग तेज नहीं होगा, दिमाग रिलैक्स होगा और दिमाग को मौका मिलेगा डेवलपमेंट का, तो वहां जब डेवलपमेंट होगी तब वो बच्चा शार्प भी बनेगा। तो इसलिए रेगुलर यूज कीजिए, बिल्कुल बेफिक्र आप अपने बच्चे का दिमाग का विकास सच में अच्छा कर सकते हैं अमूल्य मेघा सिरप से, क्योंकि इसमें शंख पुष्पी ब्राह्मी वचा एलोवेरा ऐसी बहुत सारी मेडिसिन हमने डाली है, ऐसी जड़ी बूटियां डाली है जो कि आपके बच्चे के दिमाग के लिए बहुत अच्छी है। और आप एक बात और, कुछ बच्चे अपनी उम्र आने पर बोल नहीं पाते ठीक से, तुतलाते हैं हकलाते हैं और बोल नहीं पाते, जबकि फ्रेनुलम ठीक होता है, डॉक्टर कहता है जी बिल्कुल ठीक है तलवा, नहीं बोल पा रहा तत्वा, तो इसमें क्या करें, आप मेघा सिरप दीजिए, क्योंकि इसमें जो इंग्रेडिएंट है वो दिमाग के साथ साथ टंग के इन्वॉल्वमेंट को भी इम्प्रूव करेंगे, इसीलिए मेघा सिरप आधा चम्मच दिन में 3 बार भी दे सकते हैं, आधा दर्जन में दिन में 2 बार भी दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ द बेबी। के बाद आता है भूख नहीं लग रही, इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट फॉर देम, जिन जिन बच्चों को भूख नहीं लगती उन उन बच्चों को लिवर डीएस सिरप, अमूल्य का लिवर डीएस सिरप, क्योंकि इसमें हमने काल में काशी भृंगराज विरंग ऐसे इंपॉर्टेंट जड़ी बूटियां डाली है जिससे कि डाइजेशन अच्छा होगा, पचेगा अच्छा, तो जब पचेगा अच्छा तो बच्चे को भूख भी लगेगी, बच्चा खुद मांग के खाएगा, इसीलिए आप डाइजेस्ट ये लिवर अमूल्य डीएस आप बच्चे को आधा चम्मच दिन में 2 बार खाने से आधा घंटा पहले देते हैं तो बच्चों की एपेटाइट इंक्रीज होगी, तो बच्चे को भूख भी लगेगी और वो न्यूट्रिशन वैल्यू पूरा कर सकेगा। इसके बाद इन्फेक्शन, बच्चे को छोटे छोटे इन्फेक्शन बहुत होते हैं, चाहे वो स्किन से रिलेटेड हो, चाहे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट रिलेटेड हो मतलब सांस से रिलेटेड हो, चाहे चेहरे से रिलेटेड हो क्योंकि एडोलेसेंट एज भी आती है बच्चों में, मतलब स्किन से लेकर शरीर से लेकर कहीं भी इन्फेक्शन है बच्चे को, वेट के एज के अनुसार डॉक्टर के परामर्श से अमूल्य सेफ्रिन इज अ वेरी सेफ मेडिसिन टू गिव देम, आप बच्चों को बिल्कुल सेफली इसको दे सकते हैं,
क्योंकि इसमें कुछ ऐसी जड़ी बूटियां डाली हैं जो कि इन्फेक्शन को जल्दी क्योर करेगी। इसीलिए अमोनियासेप्टिन बच्चों को वेट के अकॉर्डिंग चिकित्सक के परामर्श अनुसार कैप्सूल को खोलकर शहद में मिलाकर भी दे सकते हैं, शहद में मिलाकर दे सकते हैं और साथ में पानी से भी दे सकते हैं। तो खाने के बाद एज के अनुसार, वेट के अनुसार आप इसको इस्तेमाल कीजिए। अमृता तुलसी रसायन, ये भी इंफेक्शन के लिए है क्योंकि ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। जी हाँ, तुलसी और गिलोय दो ही चीजों से ही मेडिसिन बना है और बच्चों को वेट एज के अकॉर्डिंग आप अमूल्य तुलसी रसायन बिल्कुल इजीली सेफेस्ट मेथड है, आप दे सकते हैं। शहद से भी दे सकते हैं, पानी से भी दे सकते हैं, खाने के उपरांत, खाने के बाद। अच्छा, मैं ये कहूंगी डाइजेशन के लिए जिन जिन बच्चों को एसिडिटी, खट्टी डकारी रहती है, बच्चों को खाना नहीं पचता है, पेट साफ नहीं होता है, उन सबके लिए सबसे अच्छी मेडिसिन है अमूल्य रस। खाने में इतनी बुरी नहीं है, पीने में, और पीने की है तो बच्चों को टैबलेट खाने में इशू होते हैं, छोटे बच्चों को नहीं दे सकते हैं, तो यहाँ पे हमने सिरप डेवलप किया है आप बच्चों को इन्फेक्शन के लिए, बच्चों को डाइजेशन अच्छा रखने के लिए और रेड ब्लड सेल। जी हाँ, ये रेड ब्लड सेल और HB इंक्रीज करता है, बच्चों की रक्त कोशिकाओं को इम्प्रूव करता है, तो इसीलिए आप उन बच्चों को अमूल्य रस प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें कुमारी, आंवला, तुलसी, गिलोय, गेहूं का ज्वार, दूधवा, सब चीज प्रोवाइड है, आप इसमें अमूल्य रस दीजिए। इसमें अमूल्य रस की मात्रा बच्चों के एज और वेट के अकॉर्डिंग होगी। बड़ों में इसकी मात्रा एग्जैक्टली 30 ml होती है, बच्चों में वेट के अकॉर्डिंग 5 से 10 ml आप मेडिसिन, 5 से 10 ml पानी, 2 बार खाली पेट बच्चों को दीजिए, उनका पेट भी साफ होगा, डाइजेशन अच्छा होगा और भूख अच्छी लगेगी, इन्फेक्शन कम होंगे और हमारा बच्चों का हीमोग्लोबिन भी बढ़ेगा। उसके बाद आता है इम्यूनिटी के लिए, छोटे छोटे बच्चों को भी आप दे सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल सेफेस्ट मेडिसिन है और हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग तो ये हम इमोशन से भी हमारी जुड़ी है क्योंकि तुलसी की पूजा हमारे हिंदू धर्म में होती भी है और हम मेडिसिन के लिए हर जगह यूज करते हैं इसको। इसीलिए हमने 5 प्रकार की तुलसी ड्रॉप्स के रूप में बिल्कुल कंसंट्रेटेड फॉर्म में आपको दी है। आप गर्म पानी, आधा ग्लास गर्म पानी में खुद भी पी सकते हैं और बच्चों को भी थोड़े से पानी में एक बूंद पी सकते हैं। ज्यादा छोटे बच्चे होने पर एक बूंद दीजिए और थोड़े बड़े बच्चे हैं तो आप 2 बूंद का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। That's it from my side. जी, मैं थैंक यू करना चाहूंगी डॉक्टर रेखा शर्मा का कि उन्होंने हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इतनी सारी बच्चों को लेकर जो भी समस्याएं थी उसके बारे में हमें बताया। जैसा कि साथियों आप सभी को पता है कि हर सेशन के दौरान हमारे पास सवाल और जवाबों का एक सिलसिला है वो रहता है और आज भी हमारे पास ढेरों सवाल आए हैं। कुछ एक सवालों के जवाब तो अभी डॉक्टर मैम ने ऑलरेडी अपनी PPT में दे भी दिए होंगे जो आप सभी के लिए काफी फायदेमंद रहे होंगे, लेकिन उसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं जिनका मैं बारी बारी से डॉक्टर से जवाब लेना चाहूंगी। तो डॉक्टर साहब, हमारा जो पहला सवाल है वो है, अभी जो ये कोविड, आपको पता ही है जो कोविड चल रहा है सब पूरे विश्व में, इसकी एक लहर है, तो इसकी जो तीसरी लहर है डेल्टा वायरस, वो सुनने में आया है कि वो बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और उसका बच्चों पे ज्यादा इफेक्ट है, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे और अमूल्या में इसके लिए हमारे पास क्या अभी प्रिकॉशंस है, हम क्या दे सकते हैं? सबसे पहला तो कोरोना वायरस, हम सब बिल्कुल वाकिफ हैं, मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करना चाहती कि वायरस क्या है, कैसे होता है। सो इन सो बड़े तो वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, बच्चे वैक्सीनेटेड अभी नहीं है और जो डेल्टा वायरस है इट्स वेरी हार्मफुल फॉर द चिल्ड्रन, फॉर द चाइल्ड। तो सबसे पहला बच्चों को पहले ऊपर की सेफ्टी, हैंड वॉशिंग, फेस वॉशिंग, टीथ क्लीनिंग, क्योंकि इन्फेक्शन मुंह से ही होगा, तो ये सब चीजें पहला, सबसे पहला ये ध्यान में रखें साफ सफाई का। उसके बाद हैंड वॉशिंग का, एनवायरमेंट के साफ सफाई का, अपने आसपास घर में क्लीनिंग करें और बच्चों के हाथ धुलाएं, नीम सोप का यूज करें ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि वही एक होती है जो बैक्टीरिया किलिंग के लिए काम करती है। उसके बाद आती है बच्चों की हेल्थ, तो खाने में न्यूट्रिशन की कमी अगर पूरी है तो बच्चों को बीमारियां होंगी ही बहुत कम। आपने देखा होगा अक्सर, जैसे दो पेरेंट्स हैं, किसी का बच्चा बहुत जल्दी बीमार पड़ता है और किसी का बहुत देर में, रीजन कहाँ है? इन्फेक्शन, सेम जगह खेलते हैं, सेम जगह पढ़ते हैं, सेम सब कुछ है पर न्यूट्रिशन की कमी। किसी की मम्मी रोज बर्गर खिला रही है, किसी की मम्मी रोज खिचड़ी खिला रही है,
इसीलिए मैं यही कहना चाहूंगी, न्यूट्रिशन की कमी सबसे पहला कारण है, दूसरा हमारी इम्यूनिटी। हम ठीक है, बच्चा बीमार पड़ता है, नहीं खा पाता, तो इम्यूनिटी इस थर्ड वायरस थर्ड वेव से बचने के लिए इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएं, तो उसमें आप तुलसी ड्रॉप छोटे छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं जो कि माता का दूध पीने के बाद पानी पीने लग गए हैं, 6 महीने के उपरांत आप दे सकते हैं तुलसी ड्रॉप एक एक बूंद दिन में 2 बार गर्म पानी में थोड़ा सा, जिससे कि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहे। थोड़ा बड़ा बच्चा है तो आप सेफ्रिन कैप्सूल शहद में घोलकर या पानी के साथ दे सकते हैं, और थोड़ा बड़ा बच्चा है तो आप साथ में अमृता तुलसी भी दे सकते हैं। अगर सर्दी जुकाम खांसी बुखार आ गया है, सेफ्रिन और अमृता तुलसी ड्रॉप के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। और बच्चा अगर दूध पीता है अपनी माता का, तो मदर को आप वायरोविन IU64 सेफ्रिन अमृता तुलसी सब कुछ दे सकते हैं, क्योंकि वो दूध के थ्रू बच्चे तक पहुंच जाएगा। इसलिए वहां भी बच्चों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अमूल्य हब्स ने वहां पे भी आपको वायरोविन और IU64 जैसे प्रोडक्ट दिए हैं जो कि मदर के दूध के थ्रू लैक्टेशन के थ्रू जाएंगे और बच्चे की इम्यूनिटी को अच्छा रखेंगे। दैट्स इट जी। मैम हमारा दूसरा सवाल है बच्चों की हाइट और वेट को लेकर, कि बच्चों की हाइट और वेट को बढ़ाने के लिए हम क्या दे सकते हैं। ऐसे तो मैंने छोटा सा अपनी पीपीटी में बताया था, एक पीपीटी में दोहराने का प्रोडक्ट था अमूल्य हब्स का ग्रोथ प्लस। तो ग्रोथ प्लस में ऐसे इंग्रेडिएंट हमने डाले हैं जो कि उनकी बोन्स के लिए भी अच्छे हैं, आयरन के लिए भी अच्छे हैं, उनकी कार्बोहाइड्रेट की नीड को भी पूरा करते हैं और फैट्स को मिनरल्स को विटामिन को सबको पूरा करते हैं। पर मैं ये कहूंगी अगर विकास पूरा नहीं है तो खाना भी जरूरी है, खाना भी खिलाइए, ग्रोथ प्लस भी दीजिए, कैलकेट जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है कैलकेट भी दीजिए, और एक सबसे अच्छा प्रोडक्ट है वेट और हाइट को लेकर ज़ाराविन सिरप। ज़ाराविन सिरप को आधा आधा चम्मच दिन में 3 बार खाने के बाद प्रयोग करें तो बच्चों को मसल्स भी अच्छे होंगे, ग्रोथ प्लस से बोन्स भी अच्छी होंगी, बोन्स भी न्यूट्रिशन भी सब कुछ मिलेगा, तो आप तीनों ही प्रोडक्ट बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं जी। मैम हमारा अगला सवाल है कि जैसे जैसे कोरोना से ठीक हो रहे हैं बच्चों में मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम्स यानी कि MISSC के केस बढ़ रहे हैं, जो बच्चे से संक्रमित हो रहे हैं, तो उनको अमूल्य में हम कौन सा प्रोडक्ट दे सकते हैं कि भविष्य में वो इस तरह से संक्रमित ना हो। ये है डॉक्टर प्रदीप यादव जी ने पूछा है लखनऊ से। प्रदीप जी आप मेरी आवाज सुन रहे होंगे और अगर कोई भी क्वेरी अभी भी है आपके मन में तो आप पूछ सकते हैं। तो MIS मेंटल इन्फ्लेमेटरी डिजीज सिंड्रोम जिसको हम कहते हैं, इसमें क्या होता है आफ्टर कोरोना ये देखने को मिला है, क्योंकि पीडियाट्रिशियन के एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था उसमें ये बताया गया था कि जब कोरोना हो रहा है तो बच्चों के एक ऑर्गन नहीं, आफ्टर कोरोना मल्टीपल ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट है। इसमें बच्चों का लंग्स भी इन्वॉल्व होते हैं, किडनी इन्वॉल्व हो रही है, लिवर इन्वॉल्व हो रहा है और पेट भी इन्वॉल्व हो रहा है और बोन्स इन्वॉल्व हो रही है। तो आफ्टर कोरोना बच्चों की हड्डियां बहुत कमजोर हो रही है, आफ्टर कोरोना बच्चों को अस्थमा जैसी इश्यूज बहुत हैं, तो वहां कारण है इम्यूनिटी। हर जगह घूम फिरकर काम हमारे सेल्फ मैकेनिज्म ने करना है, हर जगह घूम फिरकर हमारी डिफेंस मैनेजमेंट ने करना है, तो डिफेंस को इम्प्रूव कीजिए, अपनी बॉडी की आर्मी को इम्प्रूव कीजिए, तभी वो गोलियां चलाएगी। इसीलिए मैं यही कहना चाहूंगी आप सेफ्रिन का अमृता तुलसी का इस्तेमाल बहुत आराम से सेफली यूज कर सकते हैं और तुलसी ड्रॉप आप बच्चों को विदाउट एनी प्रॉब्लम दे सकते हैं, बहुत लंबे समय ना देखकर थोड़ी थोड़ी मात्रा में कभी कभी रेगुलर यूज कर लीजिए, फिर कभी नहीं होगा। डॉक्टर साहब हमारा जो अगला सवाल है वो है कि जो बच्चों के अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है उसमें उसका क्या कारण है और अमूल्य में हम क्या दे सकते हैं। ये थोड़ा सा एज रिलेटेड क्वेश्चन है, ये कहना चाहूंगी जैसे कि हमारा एडोलेसेंट एज की तरफ जब बच्चा बढ़ता है, जैसे कि जब वो अपनी सुंदरता को लेकर फीमेल्स बहुत क्योर करती हैं, फीमेल्स ही कहूंगी, गर्ल चाइल्ड जब बहुत ज्यादा करती है तब ऐसा बच्चों में होता है, क्योंकि वो हार्मोनल सिक्रीशन बढ़ते हैं। मेल्स में भी ऐसा होता है, बच्चों को डॉक्टर मतलब बताते हैं कि एक्नेज हो रहे हैं, मुहासे हो रहे हैं, ये वो वाला टाइम है एडोलेसेंट एज ग्रुप, मतलब 12 से 16 साल का समय, जब फीमेल चाइल्ड पीरियड्स भी शुरू होते हैं वहां पे भी इरिटेशन और हार्मोनल इम्बेलेंस, और मेल्स में भी, जो आजकल बहुत बड़ा योगदान दिया है सोशल मीडिया ने इन बच्चों के चिड़चिड़ा होने पर, क्योंकि उस टाइम पे हार्मोनल इम्बेलेंस बहुत होता है, उस टाइम बच्चा गुस्सा भी बहुत करते हैं, उनकी बात ना मानी जाए, उनकी बात ना सुनी जाए, एकदम से क्रोधित हो जाते हैं। वहां पर बिल्कुल शांति से डील करते हुए आप बच्चों को मेघिया सिरप दीजिए,
क्योंकि वो ब्रेन को रिलैक्स करता है, हार्मोन को रिलैक्स करता है। दूसरा, आप अगर फीमेल चाइल्ड है और ऐसे इश्यूज आ रहे हैं कि हार्मोनल इम्बैलेंस आपको लगता है, या आप मुझे पर्सनली भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, अगर ऐसा लगता है तो आप फेमिजोन सिरप एक एक चम्मच या दो दो चम्मच दिन में 3 बार दे सकते हैं इफ मेंसेस के आसपास आपको ऐसा लगता है तो। अदरवाइज मेघिया सिरप पीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा सा काउंसलिंग करने की कोशिश कीजिए इस टाइम पे, माँ बाप को माँ बाप ना बनकर फ्रेंडशिप निभानी चाहिए जिससे कि बच्चे के हार्मोनल इश्यूज ना आए। जी मैम, जो हमारा अगला सवाल है वो दिलीप शर्मा जी का है मुंबई से, और उनका सवाल है कि आजकल शहरों में शारीरिक विकास के लिए जिम खुले हुए हैं और उसमें प्रोटीन्स दिए जाते हैं जिससे बच्चों का वेट एकदम से गेन हो जाता है जो कि अपना वेट गेन करना चाहते हैं, तो ये कितना लाभकारी है? और अमूल्या का जो ग्रोथ पाउडर है वो इसके मुकाबले कितना असरदायक है? मैम जिम वाले ये तो कहते हैं कि जिम यूज करो अच्छी बात है, बच्चों की मसल्स अच्छी होंगी और बच्चों को बड़े अट्रैक्ट भी करते हैं, क्यों? क्योंकि ब्यूटी सबको अट्रैक्ट करती है ना, इसीलिए तो बच्चों में ज्यादा होता है क्योंकि हार्मोनल इश्यूज भी तब बहुत आते हैं। लेकिन ये सभी के लिए है, बड़ों के लिए भी और छोटों के लिए भी, कि जिम अच्छा है पर वो जो प्रोटीन शेक्स या प्रोटीन पाउडर देते हैं वो आगे जाके नुकसान भी करता है। हमारे पास बहुत बच्चे आए हैं, एक रिसेंट पे एक बच्चा मैं डील कर रही हूँ जिसमें कि बैक में एक्ने है, बॉय है वो, बैक में एक्ने है उसको, और क्यों हुए? क्योंकि प्रोटीन बहुत ज्यादा हो गया। अभी तो प्रोटीन खा लेंगे क्योंकि वो जिम में अपना वर्कआउट भी करते हैं, जब वो जिम छूटेगा तो वो जो प्रोटीन डिपॉजिट हुआ है बॉडी में वो यूरिक एसिड के फॉर्म में आपके पास पेशेंट बन के आएंगे और कहेंगे छोटे छोटे जोड़ों में दर्द है। क्यों? एक्सेसिव प्रोटीन इंटेक की वजह से। तो वो प्रोटीन नुकसान करता है लॉन्ग टर्म में, तो इसीलिए यही कहूंगी जिम जाना इज नॉट बैड बट एक्स्ट्रा केमिकल प्रोटीन इज बैड, सो यूज नेचुरल प्रोटीन। दालें खाइए, पनीर खाइए, दूध पीजिए, कर्ड लीजिए, वो उससे भी आपकी बॉडी नहीं काम करती। आप ग्रोथ प्लस लीजिए और आप ज़ारा विन लीजिए क्योंकि वो मसल्स को भी डेवलप करके देगा। तो अपने बच्चों को अगर हस्त पुष्ट मोटा ताजा बनाना है तो आप ज़ारा विन और ग्रोथ प्लस लीजिए। जी डॉक्टर साहब, हमारा जो अगला सवाल है वो है बच्चों में जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है उसका क्या कारण है, क्योंकि मोस्टली ये बच्चों वाली एज में कम चांसेस होते हैं लेकिन आजकल ये नॉर्मली देखने को आ रहा है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, उसका क्या कारण है? उसका कारण है प्रोमिला जी, ये बताइए, एक मैसेज मेरा ये दीजिए, जो जंक फूड हम अपने बच्चों को खिला रहे हैं आए हफ्ते हफ्ते में 2 बार, तो ये उसका कारण है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जंक फूड से बहुत जल्दी शूट करता है। ऑयल, वो ऑयल अच्छा नहीं यूज करते, तभी कहते हैं ना बहुत नेचुरल ऑयल में खाना बनाइए, क्योंकि जो बाहर वाले हैं डाडे में और पता नहीं अजीब अजीब सा ऑयल यूज करते हैं, तो वहां योगदान देता है हमारे चिप्स, कुरकुरे, कोल्ड ड्रिंक, स्पाइसी चीजें, गोलगप्पे, मैम के मुंह में पानी आ गया शायद, तो ये चीजें भी बहुत ज्यादा योगदान देती हैं कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में। तो बच्चों को मोटा ताजा तो बनाना अच्छी बात है पर कोलेस्ट्रॉल बढ़ाना बुरी बात है, तो वहां पे लिमिटेड खिलाइए। दूध इंपॉर्टेंट है पर बहुत ज्यादा इंटेक ना हो, मक्खन जरूरी है ग्रोथ के लिए, बहुत ज्यादा नहीं हो, लिमिट में हर चीज अच्छा है, लिमिट में कुरकुरे चिप्स भी ठीक है पर 80-20 का रूल वहां अपनाते जाइए। जी मैम, हमारा जो अगला सवाल है वो जो ये बच्चे पेशाब करते हैं बिस्तर में उसका क्या कारण है? कारण तो पहले मैं ही कहूंगी रोकथाम जरूरी है, कैसे करेंगे? सबसे पहला, बच्चे रात को पानी की मात्रा थोड़ी सी कम कीजिए बच्चों की, मैं ये नहीं कहती रात को पानी पिलाना बंद कर दीजिए क्योंकि आई हैव आल्सो अ वेरी स्मॉल किड, तो सबसे पहला 8 बजे के बाद बच्चों को वाटर इनटेक कम कीजिए, एक इम्पॉर्टेंट कारण है। बच्चे बहुत ज्यादा पानी पिएंगे तो ऑब्वियसली उनको यूरिनरी ट्रैक में ऐसा होगा कि उनको ऐसा मिक्चुरेशन वाली फीलिंग होगी, तो पहला पानी की मात्रा चेक कीजिए कि क्या आपका बच्चा रात को ज्यादा पानी तो नहीं पीता, पहला कारण खत्म करते हैं। दूसरा, अगर आपका बच्चा ऐसा करता है कि बड़े उम्र में भी ऐसा कर रहा है तो आप यहाँ पे अमूल्य की ज़ारावन सिरप के साथ, मैं तो तिल कहती हूँ, आई डोंट नो कि क्या वर्डिंग यूज होगी, एक दो तरह के तिल आते हैं मार्केट में, एक काले तिल और एक सफेद तिल, यहाँ पे आप काले तिल अकॉर्डिंग टू द एज 1/4 चम्मच लीजिए और बच्चा चबाएगा उसको च्यू करेगा और ऊपर से ज़ारावन सिरप 1 चम्मच दे दीजिए। ये आप 2 बार करिए, मतलब सुबह शाम 15 दिन कीजिए, आपको इम्प्रूवमेंट नजर आ जाएगा कि बच्चा रात को बाथरूम बेड पे नहीं करेगा।
हमारा जो अगला सवाल है वो शोभित खन्ना जी का है। उनका कहना है कि जो मेरा बेटा है वो 10 साल का है और उसको सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से वो हिमालय की एक प्रीसेल यूज कर रहे हैं और कभी कभी प्रीजोल सॉरी मैम, और वो कभी कभी इनहेलर भी देते हैं। तो इसके लिए अमूल्या में क्या कर सकते हैं सर? एक तो आजकल क्या ट्रेंड में है, ये ट्रेंड ही कहूंगी कि लोग सोचते हैं हर बीमारी अगर सांस लेने में तकलीफ है या इन्फेक्शन जल्दी जल्दी हो रहा है, डॉक्टर्स की भी कमी जरूर कहूंगी सॉरी फ्रॉम माय साइड, कि सबको हम डिक्लेयर कर देते हैं कि अस्थमा है। हर बीमारी अस्थमा नहीं है, हर बीमारी सांस की अस्थमा नहीं है। पहला फर्स्ट क्लियर दिस। दूसरा, आजकल बहुत ट्रेंड में है ये इनहेलर यूज करना, स्टेरॉइड लेना, स्टेरॉइड खाना और इनहेल करना, ये बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। तो इसीलिए स्टेरॉइड लेने से पहले बच्चे की प्रॉपर जांच कराइए कि क्या वो अस्थमा ही है। और स्टीरॉयड हमेशा ही अस्थमा में नहीं यूज होता। अगर ऐसा है आपके 10 साल के बच्चे के साथ, आप यकीन मानिए आप आधा कैप्सूल सुबह आधा शाम सेफ्ट्रिन का यूज कराइए और अमृता तुलसी का आधा आधा शहद के साथ। बच्चे को साथ में तुलसी ड्रॉप एक एक बूंद दिन में 3 बार गर्म पानी से दीजिए। आप यकीन मानिए आपको 1 महीने में ही डिफरेंस समझ में आएगा। और आप मुझे पर्सनली लैंडलाइन नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, अमूल्य के नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जी मैम, जो हमारा अगला सवाल है वो एक बड़ी कॉमन सी समस्या है, जो बच्चे मिट्टी खाते हैं और या फिर उनके मुंह से लार गिरती है, तो उसका क्या कारण है और हम उसके लिए क्या दे सकते हैं? मैम, मिट्टी खाना के लिए ये कहूंगी, एक तो ये जो दवाई है वो सभी को खानी चाहिए। और दवाई मैं पूरी तौर से ये कहूंगी अमूल्य में, आप इसमें तुलसी ड्रॉप बहुत अच्छा योगदान देगी, पुदीना ड्रॉप भी इसमें अच्छा योगदान देगी, क्योंकि वो बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकती है। बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं और मैं बहुत साफ तौर पर कह रही हूँ कि नॉर्मली स्कूलों के स्कूल्स में आंगनबाड़ी में गवर्नमेंट ने एल्बेंडाजोल, क्योंकि एंटी हेलमिंट्स प्रोग्राम चलाते हैं और साल में 2 बार आपको एंटी हेलमिंट प्रोग्राम के थ्रू बच्चों को टैबलेट मिलती भी है स्कूल में हर जगह गवर्नमेंट के रूल प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग। तो एल्बेंडाजोल नाम की मेडिसिन आप सबको मिलती है, सबके बच्चों को स्कूल में आंगनबाड़ी में मिली है, वो खिलाना भी अच्छा है क्योंकि वो जरूरी है एंटी वार्मिंग एंटी डी वार्मिंग मेडिसिन। ठीक, दूसरा आप अमूल्य में तुलसी ड्रॉप यूज कर सकते हैं फर्स्ट, दूसरा पुदीना ड्रॉप यूज कर सकते हैं गर्म पानी में एक एक बूंद 3 बार। आप ऐसा यूज करके देखिए, 1 महीने में आपके बच्चे के पेट के कीड़े जरूर खत्म हो जाएंगे, क्योंकि लार भी तभी टपकती है। बेड पे आपने देखा होगा बच्चा सो रहा है, एक साइड से ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा, लार टपकती है, तो वो भी यही कारण है पेट में कीड़े होना। दूसरा मिट्टी खाना, मिट्टी खाना एक और सिम्टम होता है कैल्शियम की कमी का, तो कैल्शियम भी कम हो सकता है बच्चे में, तो वहां पे आप मूल्य की कैलकेट एक सुबह एक शाम ऐसे बच्चे को च्यू करने के लिए दे दीजिए, क्योंकि उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा है, तो वहां पे वो दोनों नीड कंप्लीट हो जाएंगे और बच्चे में मिट्टी खाना बंद हो जाएगा। मैम, जो हमारा अगला सवाल है, जैसे कुछ लोगों का मानना है कि लंबे समय तक जो माताएं अपने बच्चों को दूध पिलाती है उससे बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रांग बनी रहती है, इस बात में कितनी सच्चाई है? ये बहुत बड़ा मिथ है। जी हाँ, मैं यही कहना चाहूंगी, मैं ये नहीं कहती कि मैं दूध पिलाने के पक्ष में नहीं हूँ। दूध पिलाने से माता सबसे पहला इम्यूनिटी बच्चे को माँ से मिलती है, माँ के दूध से मिलती है, माँ के गाढ़े दूध से मिलती है, पर उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, किस एज में आप दूध पिला रहे हैं। जी हाँ, बच्चे की एज 0 से 6 मंथ है, बहुत अच्छी बात है, आप दूध पिलाइए, प्योर दूध पिलाइए बच्चे को, अच्छा खाना खाइए तो अच्छा दूध आप बच्चे को दे सकते हैं। 6 महीने से साल तक देते हैं गुड, पर साथ में वहां न्यूट्रिशन भी दीजिए, क्योंकि आपका दूध उसके पूरे न्यूट्रिशन को कंप्लीट नहीं करता। अब जो 1 साल के बाद माता दूध पिलाती है, अब वो उसकी गलत बात है, क्योंकि वो बच्चे के न्यूट्रिशन को रोक रही है। जी हाँ, ये कोई लालन पोषण और प्यार नहीं है, आप उसके न्यूट्रिशन को रोक रहे हैं। जी हाँ, उसको रोटी की एज में रोटी दीजिए, दूध की एज में दूध दीजिए। मैं यही कहूंगी कि प्लीज अपने अपने बच्चों को न्यूट्रिशन नीड को मत रोकिए। इस टाइम पे बच्चा, क्योंकि सभी के साथ है, कोई मुंह में खाना देगा कौन चबाएगा, तो इसीलिए बच्चों के दांतों को भी काम करने दीजिए, बच्चों के दांत लग चुके हैं, च्यू करने के फंक्शन को भी कीजिए, उसकी एलिमेंट्री कैनाल डेवलप हो चुके हैं रोटी खाने के लिए, तो वहां उसको रोटी की एज है, वहां उसको चपाती और सब्जी की एज है, खिचड़ी की एज है, वहां पैसा मत कीजिए। तो प्लीज 1 साल के अब उसको आप खाना दीजिए, उससे इम्यूनिटी डेवलप होगी, सिर्फ माँ के दूध से आगे काम नहीं चलने वाला। जी मैम, हमारा जो अगला सवाल है वो है, जो बच्चों के दांत में कीड़ा लग जाता है उसकी जो समस्या बहुत कॉमन है, तो
तो उसमें हम क्या दे सकते हैं? मैम सबसे पहला तो टीदिंग के लिए आप बच्चे को पेस्ट कराइए, अमूल्य दंत पेस्ट हमारा है, बच्चे को दो बार ब्रश कराइए, बच्चा छोटा हो तो माँ खुद कराएंगी ब्रश, छोटे छोटे ब्रशर्स भी आ रहे हैं जो उंगली में डाल के बच्चे को ब्रश करा सकते हैं, और उसको हर बार खाने के बाद, मैं ऑडिबल हूँ? यस मैम। ओके, बच्चे को हर बार खाने के बाद कुल्ला कराइए, ये बहुत कॉमन है बच्चे, क्योंकि अच्छे से ब्रश नहीं करते और छोटे बच्चे तो माँ को भी ब्रश नहीं कराने देते, तो इसीलिए कुल्ला कराते रहिए जितना भी हो सके वहां से हटे। आप इसमें ओरल केयर का भी प्रयोग कर सकते हैं, भी मैंने कहा इट माइट बी हेल्पफुल, क्योंकि एग्जैक्टली अभी हम ऐसी मेडिसिन डेवलप करने वाले हैं आगे जो एग्जैक्टली यहाँ काम करेगी, क्योंकि जब भी हम डेंटिस्ट से बात पूछते हैं कि बच्चों के दांत खराब हो गए तो कारण आता है दूध की बॉटल, रात को बच्चा बॉटल लेके सोता है और दूध जम जाता है और वो प्लेक बनाता है, ये प्लेक बनने के बाद वो बैक्टीरियल ग्रोथ करता है और बच्चे को हम ब्रश नहीं करा पाते, वह कारण दूध की बॉटल भी होती है, माँ का दूध पान भी होता है कि दूध पिया और बच्चा ऐसे सो गया विदाउट बीइंग ब्रशेस, और खाना खा के सो गए हैं आपने ब्रश नहीं कराया, कुल्ला नहीं कराया, वो भी कारण है। टॉफी चॉकलेट इसमें बाद में आता है कारण कि बहुत बच्चे ने टॉफी चॉकलेट खाया था, तो इन सब चीजों को थोड़ा 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 क्योर करते जाइए। साथ में आप ओरल केयर का दंत पेस्ट का यूज कर सकते हैं। तीसरा मैं ये कहूंगी आप इसमें तुलसी भी यूज कर सकते हैं, तुलसी ड्रॉप भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं पीने में, ताकि उसको ऐसा कर सकते हैं कि तुलसी ड्रॉप डालिए और कुल्ला कराइए ऐसे साइड बाय साइड और स्प्रिट कीजिए, जिससे कि बैक्टीरियल ग्रोथ यहाँ रुक जाए, क्योंकि अगर आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो वो ये कहेंगे सर कोई ऑप्शन नहीं है, आप दांतों को निकलवा दीजिए, क्योंकि ये परमानेंट टीथ नहीं है, टेम्परेरी टीथ है, लिटरली यही सॉल्यूशन डेंटिस्ट देता है कि ये निकल जाएंगे फिर ठीक आ जाएंगे, तो इसीलिए सिर्फ प्रिकॉशंस ही यू कैन टेक, कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं होता। जी मैम, हमारा जो अगला सवाल है कि जो छोटी उम्र में बच्चों के बाल सफेद होते हैं उसका क्या कारण है, और छोटी उम्र में ही बच्चों को चश्मा भी लग जाता है, बड़ी उम्र में भी लग रहा है, ठीक है। मैम सबसे पहला तो बाल सफेद होना, यहाँ पे न्यूट्रिशन की कमी है, क्योंकि बाल सफेद होने की एज होती है जो कि अब तो हो गई है 10 के बाद ही, पर पहले होती थी 30-40 के बाद, तो इसीलिए वहां पे न्यूट्रिशन की कमी पूरी कीजिए, बच्चे को अच्छा से खाना खिलाइए, उसकी कार्बोहाइड्रेट फैट विटामिन मिनरल सबकी कमी पूरी कीजिए, बच्चों के बाल अगर सफेद हो भी गए हैं तो भी ब्लैक हो जाएंगे। यस, न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ी चीज है, मैं अभी भी किसी भी बड़े को भी देती हूँ दवाई तो मैं यही कहती हूँ आप मोरिंगा भी लीजिए साथ में, आप ऑयल तो यूज करेंगे शैम्पू भी यूज करेंगे पर न्यूट्रिशन लीजिए, तो इसीलिए न्यूट्रिशन ग्रोथ प्लस वगैरह ये सब चीजें यूज कीजिए जिससे कि बच्चों की नीड पूरी हो, कैल्शियम यूज कीजिए। ठीक, दूसरा मैं ये कहूंगी चश्मा का एक बहुत बड़ा कारण डेवलप हुआ है वो है कोरोना। यस, इनडायरेक्टली इरिवर्सिबल प्रोपोर्शनेट है, क्योंकि बच्चे सारा दिन टीवी स्क्रीनिंग है, फोन स्क्रीनिंग है, सारी उनकी पढ़ाई भी फोन पे हो रही है, तो ये बहुत बड़ा कारण है, आईज की एक्सरसाइज नहीं हो रही, रिलैक्स नहीं हो रही, तो वहां पे मेघिया सिरप भी यूज कीजिए बच्चे को, पर रीजन हटाना जरूरी है तो फोन से प्लीज डिस्ट्रैक्ट कीजिए, और वहां पे बच्चे को विटामिन की सिरप भी आप पिला सकते हैं। साथ में हमारे अमूल्य में जैसे ज़ाराबिन है, इट्स गुड फॉर हेल्थ, क्योंकि मस्कुलर हेल्प करेगा, इट माइट बी पॉसिबल, पर रीजन हटाना जरूरी है, रीजन नहीं खत्म होगा तब तक मेडिसिन काम नहीं करेगा। जी मैम, अब जैसे कि आपको पता ही है कि टाइम के अभाव की वजह से हमने कोशिश किया है कि हम सारे क्वेश्चन ले, लेकिन समय कम है तो सवालों का सिलसिला हम यहीं पे रोकते हैं, और मैं थैंक्स करना चाहूंगी डॉक्टर रेखा शर्मा का कि उन्होंने हमें इतनी जानकारी दी, और सभी को उनकी जो उन्होंने आज जानकारी दी उससे फायदा रहा होगा। एक सेकंड, मेरे पास ना एक चैट में एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, क्योंकि मैं बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे सुनती हूँ आजकल, किसी ने क्वेश्चन किया है मुझे, आई डोंट नो द नेम, मैम अगर बेबी डिलीवर्ड के बाद रोई नहीं है और क्या करें, आई डोंट नो क्या लिखा है उन्होंने एग्जैक्टली, पर हाँ मैं शायद क्वेश्चन समझ गई हूँ कि ये रिलेटेड है सेरेब्रल पाल्सी के, सीपी चाइल्ड जिसे हम कहते हैं, बच्चों का रोना डिलीवरी के बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपके ब्रेन की ऑक्सीजन सप्लाई जाती है तुरंत जब डिलीवरी होती है, उसके बाद लंग कैपेसिटी पूरी लंग की ऑक्सीजन जाती है और ब्रेन में ऑक्सीजन आती है, जिसकी वजह से वो रोता है तो ऑक्सीजन जाएगी तो ब्रेन काम करना फर्स्ट टाइम शुरू करता है, लंग काम करना फर्स्ट टाइम शुरू करता है, यहाँ पे रोना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई भी कोई योगदान नहीं होता, सिर्फ ऊपर वाले की वो है और डॉक्टर की हेल्प है कि शी कैन डू और ही कैन डू, तो इसीलिए उस टाइम के लिए
सच में कोई मेडिसिन नहीं होती, हाँ वी कैन हेल्प बाय थेरेपीज सही टाइम पे, क्यों, क्योंकि दिमाग का विकास जैसे कि मैंने फर्स्ट स्लाइड में बताया था 3 से 5 साल तक होता है, तो इसका इलाज भी यहीं तक बेस्ट करा सकते हैं। तो यहाँ पे आप डॉक्टर का परामर्श लीजिए, पर्टिकुलर MRI हमें दिखाइए, कितना परसेंटेज ऑक्सीजन नहीं गया है, कितने टाइम तक बच्चा नहीं रोया है, ये डिपेंड करता है बच्चे के MRI पे। यहाँ पे तो जो भी ये क्वेश्चन प्लीज कर रहे हैं, प्लीज सेंड अस द रिपोर्ट ऑफ MRI सो दैट आई कैन हेल्प, वी कैन हेल्प फ्रॉम अमूल्य हब्स। जी मैं थैंक्स करना चाहूंगी डॉक्टर रेखा शर्मा का कि उन्होंने हमें इतनी सारी जानकारी दी, और मैं सभी साथियों का भी धन्यवाद करना चाहूंगी कि वो इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं, उससे आधे से ज्यादा नॉलेज तो हमें हो जाती है, हमारे भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। एक चीज मैं साथियों और कहना चाहूंगी कि जब भी हम कोई सेशन ऐसे ऑर्गेनाइज करते हैं डॉक्टर टॉक्स का जो भी रहता है, तो हम 1 या 2 दिन पहले ही बैनर आपको भेज देते हैं और उसमें लिखा भी होता है कि आप अपने सारे सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन काफी लोगों के सवाल एंड टाइम पर भी आते हैं, कोई इशू नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है कि सेशन के दौरान जब भी हमारा वेबिनार चल रहा होता है आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर रिलेशनशिप मैनेजर का नंबर है, आप उस नंबर पर भी अपने सवाल भेज सकते हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा आपके जो भी सवाल है उनका जवाब दे पाए। तो अभी मैं बुलाना जी मैम बोलिए। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। मैम एक सवाल मेरे पास आया है, सवाल है प्रेगनेंसी में बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए क्या करें, डॉक्टर से एक सवाल है। तो प्रेगनेंसी में ब्रेन डेवलपमेंट के लिए कुछ ना करें, माता अच्छा अच्छा खाए, अच्छा अच्छा देखे, अच्छा अच्छा पहने, अच्छा अच्छा सोचे, यही एक दवाई है, क्योंकि जो हम उस टाइम सोचते हैं वो सच में ब्रेन डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। आप वॉक कीजिए, अच्छे एनवायरनमेंट में रहिए, आप ऑक्सीजन सप्लाई पूरी लीजिए, सिर्फ एक यही एक चीज है, अच्छे से खाइए, मेडिसिन पे ना डिपेंडेंट रहिए। मैं ये नहीं कहती नहीं नहीं आप हीमोग्लोबिन ज्यादा लीजिए, आप कैल्शियम ज्यादा लीजिए, आप सब कुछ खाइए जो आपका मन करे, पर न्यूट्रिशन एक पूरी हो जिससे कि दिमाग को भी, किडनी को भी, लिवर को भी सब कुछ न्यूट्रिशन मिल सके। सॉरी फॉर माई साइड जी। मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर शशि गुप्ता जी का, तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए डॉक्टर शशि गुप्ता जी का। मैम क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मैडम का डिवाइस नहीं दिख रहा इनके नाम। ओके, हो सकता है सर कुछ नेटवर्क का इश्यू रहा होगा। तो मैं बुलाना चाहूंगी सर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? प्रोमिला मैम, डॉक्टर शशि यहां से बोलेंगे मेरे पास आके। जी डॉक्टर शशि यू कैन कम ओवर हियर। आई डिड अनम्यूट माय सेल्फ सो दैट शी कैन कम। जी जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए डॉक्टर शशि गुप्ता जी का। गुड मॉर्निंग, थैंक यू प्रोमिला जी एंड सेशन में उपस्थित सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से सादर प्रणाम एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चे सोसाइटी का इंटीग्रल पार्ट है, उनकी अपब्रिंगिंग, उनकी देखभाल करना कॉम्प्लेक्स भी है और चैलेंज भी है। फ्यूचर में होने वाली जो हेल्थ बिहेवियर है और हेल्थ स्टेटस, उसका नींव इसी फेस में रखा जाता है। तो इस फेस में होने वाली कोई भी प्रॉब्लम को आप इग्नोर ना करें, आप नजरअंदाज ना करें और ना ही उसको लाइटली लें, बिकॉज फ्यूचर में होने वाली जो दिक्कत आगे आगे कॉम्प्लिकेशंस का रूप भी ले सकती है। इसलिए इमोशंस को एक तरफ रखते हुए फर्म डिसीजन लें। आजकल मोर्टलिटी रेट बहुत कम हो गया है और जो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ गई है। इसका कारण हमारी बेहतर जो हेल्थ सेवाएं हैं, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, वो अनदर रीजन है। ये हेल्थ सर्विसेज हमें प्रोवाइड हॉस्पिटल्स भी करते हैं, क्लिनिक्स भी करते हैं और प्राइमरी केयर प्रोवाइडर्स भी करते हैं, जिसमें अमूल्य हर्ब्स भी एक है। सो आप अपनी प्रॉब्लम के साथ बच्चों से रिलेटेड या एनी अदर इश्यूज के लिए आप हमें डॉक्टर कॉल या अदर नंबर जो प्रोवाइडेड है उस पर संपर्क कर सकते हैं।
सेशन में डॉक्टर रेखा द्वारा दिए गए बच्चों की ग्रोथ से रिलेटेड जितने भी पैरामीटर्स हैं, जितने भी कारण हैं, उनके दुष्परिणाम हैं या दुष्इफेक्ट्स हैं और उनके निवारण हेतु बहुत ही डिटेल्स, बहुत ही माइन्यूटली से मैम ने सबको बहुत क्लियरली समझाया है। तो हमें सबसे पहले बच्चों की डाइट पे फोकस करना चाहिए, उनको न्यूट्रिशियस डाइट देनी चाहिए। सेकेंड इशू आता है उनकी फिजिकल एक्टिविटी का, जो ऑनलाइन क्लासेस की वजह से बच्चे को जो फिजिकल एक्टिविटी है वो बिल्कुल जीरो हो गई है, इसके कारण उनका जो वेट है वो भी पुट ऑन हो गया है। इसलिए उनको हमेशा खेल कूद के साथ के लिए भी प्रोत्साहित करना चाहिए। साथ साथ में आपको 10-15 मिनट अपने बच्चों के साथ जरूर बिताने चाहिए, ताकि वो अपने मन की बात आपसे कह सकें, अपने विचार प्रस्तुत कर सकें। इससे इससे क्या है कि आप जब उनके विचारों को सुनेंगे तो वो अपने आप को खुल के अपने आप को पेश करेंगे। आप सुने उनको, पेशेंटली सुने, अपने विचार उन पे ना थोपे। इसलिए फिजिकल, मेंटल और सोशल ग्रोथ के साथ ही आप एक हेल्थी इंडिविजुअल की क्रिएट कर सकते हैं। और इसका वर्णन हमारी चरक साथ साथ कश्यप संहिता में भी क्लियरली वर्णन है। मुझे उम्मीद है कि ये छोटा सा सेशन आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। एंड थैंक्स डॉक्टर रेखा फॉर गिविंग सच अ वंडरफुल सेशन, और थैंक्स एवरीवन फॉर गिविंग सम टाइम टू मी। थैंक्स वन, थैंक यू मैम, थैंक यू प्रमिला जी। जी मैं थैंक्स करना चाहूंगी यहाँ पे डॉक्टर शशि गुप्ता जी का कि उन्होंने हमें इतना एक छोटी सी स्पीच में बहुत कुछ कहा और वो सभी के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। जैसा कि साथियों आप सभी को पता है कि समय के अभाव की वजह से हम ज्यादा ना बात करते हुए मैं बुलाना चाहूंगी हमारी कंपनी के AVP एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट बिजनेस डेवलपमेंट मिस्टर उधम सिंह राणा सर का। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए और रूबरू हुई है मिस्टर उधम सिंह राणा सर से। थैंक यू सो मच। और आज का ये जो पूरा का पूरा सेशन जो रहा है, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन सेशन रहा होगा। अब तक मैंने बहुत ध्यान से चीजों को सुना क्योंकि मैं भी एक पिता हूँ और मैं देख रहा था किस तरह से डॉक्टर साहब बता रहे हैं बच्चों के लिए। और ये जो जानकारी है ये केवल हमारे खुद तक रखने के लिए नहीं है, क्योंकि आप सभी जो हैं वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। शायद आप में से बहुत सारे साथियों को पता होगा कि जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स आज मार्केट में कर रहे हैं, हमने उनको एक नाम दिया है, वो नाम है ब्रांड एम्बेसडर का। तो एज अ ब्रांड एम्बेसडर्स ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारी जिम्मेवारी बनती है और हमारा कर्तव्य बनता है इन सभी जानकारियों को हम अपने अगल बगल, अपने साथी जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, हमारे पड़ोस में रहने वाले लोग, हमारे समाज में रहने वाले लोग, जितना ज्यादा हो सके हम उन तक पहुंचाने का प्रयास करें। अगर हम ऐसा करने में कामयाब होते हैं तो हमारा ये जो प्रयास हमारे डॉक्टर्स ने किया है, मूल्य ने किया, या आप जो का जो प्रयास जो कर रहे हैं वो सफल माना जाएगा। क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो खाली हमारे खुद के लिए नहीं, हमारे जो आसपास में जो समाज में लोग रहते हैं उनके लिए, देश के लिए। तो पूरा का पूरा जो अमूल्य का ये पूरा प्रोग्राम है, सारा का सारा प्रोग्राम जो है ये पूरे समाज के लिए है। तो इस समाज के अंदर मैं चाहूंगा कि हम सभी लोग जो अपना रोल बहुत अच्छे से अदा करें। बहुत सारे ऐसे साथी जिनके सवाल मैं देख रहा था अभी भी आ रहे थे, लेकिन समय का अभाव है, उनके सवाल हम नहीं ले पाए, लेकिन वो घबराए नहीं। आपके पास हमारे डॉक्टर्स हेल्पलाइन के नंबर्स मौजूद हैं, आपके पास OPD नंबर मौजूद है जो कि जूम के ऊपर है, तो वहां पर आप कॉल कर सारी जानकारी ले सकते हैं। एक अहम जानकारी मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा और वो जानकारी ये है कि 29th संडे दिन रविवार जितने भी अमूल्य हाउस प्राइवेट लिमिटेड की ब्रांचेस हैं, हेड ऑफिस है, वहां पर एक नेशनल LCOP प्रोग्राम हम लोग करने जा रहे हैं। जो नेशनल LCOP प्रोग्राम है यह है लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम। आप में से बहुत सारे साथी इस प्रोग्राम के बारे में जानते होंगे और जो नए साथी हैं वो भी इसको जान रहे हैं। इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए आपको हमारी उन ब्रांचेस में जाना पड़ेगा जो आपके नियर बाय है, वहां पर मैं मौजूद रहूंगा उस प्रोग्राम में। उसके अलावा हमारे जितने भी मिलेनियर क्लब के अचीवर्स हैं वो मौजूद होंगे और वो एक प्रोग्राम जो है वो आपके सामने वो इसको प्रेजेंट करेंगे। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि जितने भी आपके जानकार लोग हैं, आपके साथी हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, उन ब्रांचेस के नियर बाय हैं। हमारे पास जैसे कि पंचकूला में ब्रांच है, ये तो बेसिकली हेड ऑफिस है जहां पर अभी हम हैं। उसके अलावा सोनीपत, दिल्ली, कानपुर, मुरादाबाद,
वाराणसी, जलपाईगुड़ी, भुवनेश्वर उड़ीसा, और ये जो जो हमारी ब्रांचेस है यहाँ पर सभी जगहों पर हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर बिहार के अंदर हमारी ब्रांच है, तो आप जितना हो सके अपने साथियों को वहां पर भेजें ताकि मैक्सिमम लोग वहां पर आकर उस प्रोग्राम का फायदा उठा सके। तो आप सभी अभी तक बने रहे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और दोबारा से एक बार मैं सभी के साथ साथ और डॉक्टर रेखा शर्मा जी का, डॉक्टर शशि गुप्ता जी का और मिस प्रोमिला कश्यप जी का धन्यवाद करूंगा इस प्रोग्राम को बहुत बेहतरीन तरीके से करने के लिए। थैंक यू आप सभी को, मेरा प्रणाम। जय हिंद साथियों।